राधे राधे पापा। ओ राधे राधे बेटा, खुश रहो। जग गए? आज बड़ी देर तक सोए? वो पापा आज संडे ऑफ है ना। ओ यू नो थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। चाय लोगे? नहीं मैं ले लूंगा, आपके लिए लाऊं? हाँ एक कप मेरे लिए भी ले आना। ठीक है लाता हूँ। क्या ठीक है, अभी तो दी थी आपको एक कप चाय। मगर वो चाय तो ये रखी है ना। तो आपने पी क्यों नहीं? वो बेटा शायद आज तेरी मम्मी चीनी की जगह नमक डाल गई इसलिए। अरे वो मैंने आपको बताया था ना कि आज सुबह से ही थोड़ी। ठीक है ठीक है, बात को बढ़ा क्यों रही हो, खत्म करो, मैं दूसरी चाय पी लूंगा। ठीक है मैं लेके आता हूँ ना। क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक ग्लास पानी ला दूं मेरे लिए। लाया। हे राम। पानी। अच्छा बेटा लाओ। राधे राधे मम्मी। खुश रहे। क्या मम्मी, आप तो सुबह सुबह मंदिर में होती थी और आज ये अखबार। अनु ये देखिए बेटा, ये नरेंद्र मोदी जी है ना। हाँ लेकिन अखबार तो सीधा पकड़ो। और ये जो इनके साथ कर... नहीं पापा मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप लोग कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहे हैं, बात क्या है? अरे ये इशारे क्या कर रहे हो, मुझे बताइए ना, आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? छुपाएंगे क्या बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। क्या ठीक है मम्मी? आप लोग जो है मुझे परेशान दिख रहे हो, और आप लोग हैं मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। पापा आप ही बताइए बात क्या है। बात यह है अनु बेटा, अभी पिछले महीने तो तुमने हम दोनों के लिए नई चश्मे बनवा के दिए थे, न जाने क्यों फिर से हम दोनों को धुंधला दिखाई देने लगा है। क्यों इतनी जल्दी जल्दी नंबर चेंज हो रहे हैं पता नहीं। बेटा हमें पता है, पिछले ही महीने तो तेरी नई जॉब लगी है, ऐसे में हाथ थोड़ा तंग है। ऐसे में ये फालतू का खर्चा फिर से आ गया, बताते हुए खराब लग रहा था। फालतू का खर्चा क्या मम्मी, आप पहले इधर बैठो। अगर आप लोग तकलीफ में हैं तो वो तकलीफ अपने बेटे को बताने में। जीजा कैसी,
हद करते हैं ना आप लोग भी। बचपन में जब मैं रोज खिलौने तोड़ता था और बिना झिझक के रोज नए खिलौने मांगता था। पापा, मैं जानता हूं उस समय आपको गिनी चुनी सैलरी मिलती थी, फिर भी तो आप मेरी हर जिद पूरी करते थे। आप दोनों भी तो मेरे इकलौते मम्मी पापा हो। मम्मी पापा, मैं आप दोनों की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। जितना मेरे बस में है मैं आप दोनों को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। लाइए, आप दोनों अपने चश्मे दीजिए, मैं ऑफिस जाते समय डॉक्टर लेखा के यहाँ से किसी को भिजवा दूंगा, वो आपके नंबर चेक करके नए चश्मे बनवा देंगे। लाइए दीजिए। आप भी दीजिए मम्मी। पापा, आपको कब लगा कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है और आपका नंबर चेंज हो गया है? वो सुबह जब अखबार पढ़ने के लिए लिया था तभी से। और मुझे भी सुबह से ही धुंधला दिखाई दे रहा है। वो तो जब नंबर चेंज होता है ना तब धुंधला तो दिखाई देता ही है। तो मैं आप दोनों को बता दूं, आप दोनों के नंबर चेंज नहीं हुए। क्या कह रहा है? बात इतनी सी है कि आप दोनों के चश्मे आपस में बदल गए हैं। मतलब? हाँ। मम्मी, आपने पापा का चश्मा लगाया था, पापा आपने मम्मी का। बेटा एक बार चश्मा देना जरा मेरे वाला। ये सब तेरी मम्मी का किया धरा है। क्यों जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? सुबह अखबार पढ़ने के लिए मैंने चश्मा तुमसे ही मांगा था ना, अपना थमा दिया। मैं अंधा बन के यहाँ पे घूमता फिर रहा हूँ। तो मेरा भी तो यही हाल है, ना दाल दिख रही ना चावल दिख रहा, और आपकी चाय में भी तभी नमक डल गया था। फिर सोचा अखबार पढ़ लूं, तो अखबार में भी फोटो उल्टी सीधी दिख रही थी। अरे मैं क्या करती, चश्मा तो तुमने दिया था ना। मुझे क्या पता था, मेरा चश्मा तो आप लगाए बैठे हैं। बस चश्मा दिया तो तुमने ही था ना। चलो दिया, मेरे से गलती हो गई तो आप भी तो कुछ बता सकते हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या घर की? मैं कैसे बता? अरे अपने मुंह से, और कैसे बताएंगे। अरे बस बस, अरे बस भी करो। बात इतनी सी है, ये गलती नहीं थी।